हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। निशाज वंडरवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही खास रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सेमिया। तो फ्रेंड्स, मीठी सेमिया तो हमेशा आपने बना के खाई होगी। क्या आपने कभी नमकीन सेमिया बनाया है? अगर बनाया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाया है तो प्लीज़ एक बार बना करके मेरे तरीके से ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, ये रेसिपी ईजीएस्ट होने के साथ साथ बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, नमकीन सेमिया बनाने के लिए मैंने 1 कप और ग्राम से 250 ग्राम मैंने ये सेमिया ले रखा है। थोड़े से मटर और कॉर्न मैंने ले लिया है, और ये दो मीडियम साइज़ का प्याज काट लिया है मैंने, एक टमाटर काट लिया है, छोटे छोटे से आलू थे 4 आलू लिया है मैंने, और ये 4 मिर्ची लिया है मैंने। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची ले लीजिए। और एक नींबू लिया है, और ये तड़के के लिए मैंने राई, ज़ीरा और ये सूखा हुआ कड़ी पत्ता, आपको याद है कड़ी पत्ता मैंने सूखा के रखा था और थोड़े से फ्रीज में रखा था, तो फ्रीज वाला ख़त्म हो गया है और सूखा के जो रखा था वो है, तो ये वही कड़ी पत्ता है मैंने ले रखा है। और मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है, उसमें 2 चम्मच मैंने घी डाला है, आप तेल भी डाल सकते हैं। उसमें मैं सेमिया रोस्ट कर लूँगी। अगर आपके पास रोस्टेड सेमिया है तो भूनने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कच्चा सेमिया है तो आपको रोस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं रोस्ट कर लूँगी बिल्कुल अच्छे से, चला चला करके बराबर, ताकि चारों तरफ से अच्छे से लाल हो जाए। और लगातार चलाते हुए रोस्ट कीजिए, तब देखिए एक जैसा कलर आता है। अगर आप छोड़ दीजिएगा तो वो एक तरफ लाल और एक तरफ कच्चा रह जाएगा, तो चला करके आप उसको रोस्ट कीजिए। और यहाँ मैंने दोबारा से फिर से वही कढ़ाई रख दी है, उसमें 4 बड़े चम्मच मैंने रिफाइंड तेल डाल दिया है, और जो तड़का हमने बना के रखा है वो तड़का हम इसमें डाल देंगे, और राई चटक जाए, जीरा चटक जाए अच्छे से, उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे और साथ ही हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची पहले नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वो जलता है तो खांसी होने लगती है, तो इसलिए साथ में मैं प्याज के साथ ही हरी मिर्ची डाल देती हूँ। और साथ में एक दो बार चलाने के बाद सारी सब्जियाँ जो भी हमने काट रखी है वो सब डाल देंगे। मीन्स हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि ये पानी में भी पकेगा, तो हमें बस अधपका भूजना है, अधपका हो जाए तब तक भूजना है। और यहाँ पर मैंने मटर और कॉर्न भी डाल दिया है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतनी आसान है बनाने में, बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं, शाम को नाश्ते में बना सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, जो लोग लाइट खाना पसंद करते हैं। और फ्रेंड्स, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल दीजिए, साथ ही मैंने टमाटर भी डाल दिया है, और इसमें बहुत सारी सब्जियां आप डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने नहीं डाला है क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते खाना, एक एक करके चुन के बाहर कर देते हैं, तो मैंने सिर्फ कॉर्न और मटर ही डाला है, और आप चाहें तो बहुत सारी सब्जी डाल सकते हैं। और अब मैंने सेमिया इसमें डाल दिया है, 2-4 बार चलाने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। और यहाँ पे आप हल्दी भी डाल सकते हैं कलर के लिए, लेकिन मुझे बिना हल्दी का अच्छा लगता है, आप चाहें तो हल्दी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पानी आपको बस उतना ही डालना है जितना कि सेमिया के ऊपर आ जाए, और मुझे इसमें 1.5 कप पानी डालना पड़ा, तो आप देख लीजिएगा कि जब सेमिया के ऊपर पानी आ जाए तो बस उतना ही डालिएगा। उसके बाद आप इसको धीमी आंच करके और ढक करके 5 मिनट तक पकने दीजिएगा। जब सेमिया अच्छे से फूल जाए तो समझिए कि आपका सेमिया हो गया है, और पानी अच्छे से सोख ले तो सेमिया हो गया है। और आप इसको मूंगफली, धनिया की पत्ती से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो हम छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए, और ये देखिए 5 मिनट हो चुका है, और ये देखिए सेमिया कितना अच्छा से फूल चुका है, पक चुका है। अब हम इसमें गैस बंद करके थोड़ा देर के लिए ढक के छोड़ देंगे, और उसके बाद ये अच्छे से सेट हो जाए तो फिर हम सर्व करने के टाइम में नींबू निचोड़ देंगे इसके ऊपर और मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट आता है तो वो अच्छा लगता है, और ऑयल को थोड़ा बैलेंस कर देता है, ये ज़्यादा ऑयली नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, ये मेरा नमकीन सेमिया बन चुका, और मैं इसको सजा रही हूँ प्याज, हरी मिर्ची और नींबू से।
आप इसको अपने मनपसंद तरीके से सजा करके सर्व कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो आज का कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।